दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं 28x40 फीट के प्लॉट पे गांव के हिसाब से 3 रूम का घर का नक्शा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इसका 3D एक्सटीरियर व्यू, 3D एलिवेशन आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका एलिवेशन कुछ इस तरह से रहने वाला है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो मैं रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम इस 3D होम प्लान को और 3D फ्लोर प्लान को डिस्कस करते हैं। रोड से आने के बाद हमें 3 स्टेप्स यहाँ पे हमने दिया है। 1, 2, 3 स्टेप स्टेप से चढ़ने के बाद हमें आपका हॉल एरिया वगैरह मिलेगा, और सामने में हमने गार्डनिंग पर्पज से ये गमला वगैरह लगाया है, जहाँ पे छोटा मोटा पौधा आप लगा सकते हैं ताकि आपका घर का लुक एकदम बेहतर बन सके। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। इसके बाद आपका हॉल एरिया मिलता है। हॉल एरिया का साइज आपका 8x12 का ये आपका ड्राइंग एरिया मिलेगा। ड्राइंग एरिया पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 5x4 का यहाँ विंडो प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, जो कि 17x12 का बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह का, और यहाँ पे चेयर वगैरह लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपका डाइनिंग एरिया एक बेहतर सा 17x12 का यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे एक गेस्ट रूम हमने दिया है, जिससे 2 डोर हमने प्रोवाइड किया। आप अपने अनुसार डोर दीजिए। मैंने एक यहाँ डोर दिया है, एक यहाँ डोर दिया। आपको जहाँ पे सुटेबल हो आप वहाँ पे डोर प्रोवाइड कीजिएगा। 2 डोर दिया है। डोर का साइज आपका 3x7 का यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया है। इस मास्टर बेडरूम या गेस्ट रूम तो यहाँ पे हमने एक टॉयलेट प्रोवाइड किया है। 7x4 का यहाँ एक टॉयलेट दिया है, जिससे आप कुछ डिफरेंट तरह का टाइलिंग भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट तरह का टाइलिंग का यूज़ किया है। यहाँ पे डोर जो है, डोर की बात करें तो 2.5x7 फिट का यहाँ पे डोर हमने प्रोवाइड किया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 2x2 का एक विंडो प्रोवाइड किया है, जहाँ पे ग्लास वगैरह इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बेडरूम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। बेडरूम का साइज आपका 10x12 का बेडरूम हुआ। ये गेस्ट रूम का बेडरूम जो है वो 14x12 का ये बेडरूम था। ये बेडरूम 10x12 का है। ये भी मास्टर बेडरूम हुआ, इसका इससे एक टॉयलेट अटैच है। टॉयलेट का साइज 4x7 है। टॉयलेट पर जाने के लिए डोर प्रोवाइड किया गया है। 2.5x7 फिट का ये डोर है। इस टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ एक विंडो प्रोवाइड किया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, 5x4 का एक विंडो दिया गया है। और यहाँ पे एक और बेडरूम हमने प्रोवाइड किया है, 10x12 का ये भी बेडरूम है। जिस बेडरूम से यहाँ पे दो दो विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक विंडो आपका 5x4 का है, एक विंडो आपका 4x4 का है। बेडरूम पे एंट्री करने के लिए 3x7 फिट का यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किया गया है। और एक कॉमन टॉयलेट अगर आप चाहें तो स्टेयर के नीचे भी बना सकते हैं, जो कि एक बड़ा सा टॉयलेट 4x8 का यहाँ पे टॉयलेट बनेगा। वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पे विंडो वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे हमने किचन लिया है, 7x10 का यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया गया है। किचन पे कुछ इस तरह से स्लैब लगा सकते हैं 2x2 का, और नीचे पे आपका कुछ डिफरेंट तरह का टाइलिंग कर सकते हैं। किचन पे वेंटिलेशन के लिए एक 4x4 का विंडो दिया गया है, एक 5x4 का विंडो दिया गया है। तो अपने अनुसार विंडो घटा बढ़ा सकते हैं। और इस डाइनिंग एरिया से हमें स्टेयर केस यहाँ मिलता है। स्टेयर केस के लिए यहाँ पे 3 फिट का यहाँ पे जीना लिया गया है, और 10-10 इंची का यह ट्रेड लिया गया है। 3 फिट इन द सेंस कि ये आपका 3 फिट का हुआ, ठीक है, और ये आपका 10 इंच का है। राइजर जो है वो एकदम छोटा सा है, 5 फिट 6 इंच का यहाँ पे राइजर प्रोवाइड किया गया है। टोटल यहाँ पे हमने 22 स्टेप्स यहाँ प्रोवाइड किया है। स्टेयर से चढ़ने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर में चढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। स्टेयर से चढ़ने के, देखिए आप विंडो से दिखाई दे रहा है, स्टेयर से चढ़ने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। ओपन टेरेस दिया गया इस स्टेयर रूम के लिए। विंडो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3x4 का एक विंडो दिया गया छोटा सा, और यहाँ पे 4x7 का एक डोर प्रोवाइड किया गया। विंडो का डोर वुड का डोर यहाँ दिया गया है, और सामने में कुछ इस तरह का राउंड आर्च शेप का यहाँ पे बालकोनी दिया गया है, जिसे एमएस का
जिसपे माइल्ड स्टील का यहाँ पे रेलिंग हमने दिया है जो कि घर का एक बेहतर लुक प्रोवाइड कर रहा है। इतना बड़ा आपका ओपन टेरेस है कि आप अपना गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट होम प्लान अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर कुछ डिफरेंट तरह का आपका घर का नक्शा है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उस तरह का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।